हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनाने वाले हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे कुंदरू की सब्जी बनाएंगे, वो भी नॉर्मल नहीं, शाही कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। और इतनी यूनिक तरह से बनाएंगे ना कि बहुत ही ना कुछ मसाले उसमें यूज़ होंगे और बहुत ही टेस्टी सी लाजवाब सी सब्जी बन के रेडी होगी। तो चलिए झटपट से हम स्टार्ट करते हैं शाही कुंदरू बनाना। तो यहाँ पे जो शाही कुंदरू हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें कुंदरू को पहले कट करना है, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं। आप एक कुंदरू में दो टुकड़े, मतलब दो पीस उसके कर सकते हैं, या फिर एक में इस तरह से ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़े से मोटे मोटे करके रखे हुए हैं। तो एक कुंदरू में आप चार पीस इस तरह से करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म करके हम इसको फ्राई करेंगे कुंदरू को। तो थोड़ा सा ऑयल हमने गर्म किया है और उसमें कुंदरू डाल के हम फ्राई करेंगे इनको। और अच्छे से पहले हमें कुंदरू को सॉफ्ट होने तक बढ़िया तरह से फ्राई करना है। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरह से कुंदरू हमने फ्राई कर लिए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। तो अभी इनको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसके लिए हल्का सा ग्रेवी हम तैयार करेंगे। तो सेम पैन में जो ऑयल हमने लिया हुआ था, उसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा जीरा हम डालेंगे, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी ये शाही कुंदरू की सब्जी बनके रेडी होती है, बिना लहसुन प्याज के, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये टमाटर, एक टमाटर हमने पीस के रखा हुआ था, ये हम इसमें डाल देंगे। और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे इस टमाटर को पहले हम पकाएंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अभी इसमें कुछ मसाले हम ऐड करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, आप तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो थोड़ा सा लाल मिर्च हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद में थोड़ा सा धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, और नमक अभी हमने ऐड नहीं किया है इसमें। और अभी साथ में इसमें ये 1 टेबल स्पून हमने दही लिया हुआ है, फिर इसको अच्छे से हमने फेंट के रखा हुआ है, दही हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से स्टिर हमें करना है। और कम से कम 1 मिनट के लिए इसको कंटिन्यूसली हम स्टिर करेंगे, उसके बाद में हल्का से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, तो जिस बोल में हमने दही लिया हुआ था उसी में हम थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल देते हैं। तो 1 कप के करीब ये हमने पानी इसमें ऐड कर दिया। और पानी ऐड करने के साथ ही साथ अब इसमें ये हमने 5 से 6 काजू लिए हुए थे, जिनको ड्राई एकदम हमने एज इट इज़ काजू को पीस लिया था, एक पाउडर की तरह पाउडर फॉर्म में कर लिया था, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखना है। थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद गैस को बिल्कुल हम लो फ्लेम पे इसको हम कवर कर देंगे, और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। तो 2-3 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे हम, और अब इसमें हम यहाँ पे कुंदरू ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। सारे कुंदरू इसमें डाल देते हैं। और कुंदरू डालने के साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हल्का सा इसमें कसूरी मेथी हम डाल देंगे इस तरह से, हल्का सा इसको क्रश करके। और कुंदरू डालने के बाद वापस से हम इसे कवर करेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी हमने कुंदरू को फ्राई किया हुआ है तो पक गए हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी इस टाइम पे यहाँ पे हम इसे वापस से कम 5 मिनट के लिए कुंदरू को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और अब देखिए 5 मिनट इसे ओपन करेंगे, और एकदम बढ़िया आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया लग रहे हैं शाही कुंदरू। और सबसे लास्ट में अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें क्योंकि जो मैंने दही और टमाटर इसमें डाला है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके टेस्ट को, 1 पिंच इसमें बस हम शुगर ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए एकदम 1 पिंच बस इसमें हमने डाल लिया,
और साथ में लास्ट में थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, और वापस से इसको एक बार इस तरह से मिक्स करके सिर्फ एक मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे और ये बढ़िया से एकदम शाही कुंदरू बन के रेडी हो जाएंगे। कि इस तरह से इसको मिक्स कर दिया, बस एक मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। और ठीक एक मिनट बाद हमने ये ओपन कर लिया है और देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम शाही कुंदरू बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी से शाही कुंदरू बन के रेडी हो गए हैं। और आप लोग इसे फ्रेंड्स पराठे, रोटी या पूड़ी किसी के साथ भी आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बिना लहसुन और प्याज यूज़ किए इतने टेस्टी शाही कुंदरू बने हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ई डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी सी, यूनिक सी, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।